व्यापार मंडल अध्यक्ष अजीत सिंह बघा, ये चांदनी श्रीवास्तव जी पूर्वांचल महिला व्यापार मंडल के अध्यक्ष कुछ दिन पहले नियुक्त की गई थी, जब पुरानी अध्यक्ष सविता सिंह जी ने इस्तीफा दिया था तो उस समय इनको नियुक्त किया गया, और बगल पहले भी थी आज भी हैं, और आप वाराणसी महिला व्यापार मंडल की अध्यक्ष सुनीता सोनी, और पीछे वरिष्ठ उपाध्यक्ष बैठी हैं आरती जी, आप जो है वाराणसी महिला व्यापार मंडल की उपाध्यक्ष हैं वरिष्ठ, और आप उपाध्यक्ष हैं पूर्वांचल की सरिता जी, ये भी पुरानी है। आज बैठक क्यों बुलाया गया? आज की बैठक का कारण ये था कि कई दिनों से कुछ चीजों को लेके लोगों में रोष था, करना चाहते हैं, तो मैंने कहा ठीक है, तो मैंने बैठक बुलाई थी, तो उसमें हमारे महामंत्री जो प्रमोद अग्रहरी जी हैं, उनके लिए ये हुआ कि वो व्यापार मंडल का विरोधी काम कर रहे हैं, तो और कई सालों से कर रहे हैं, तो उनको आप हटा दीजिए। तो हमने कहा भाई अगर आप लोग की राय है तो देख लीजिए, तो एक स्वर में सभी ने कहा कि हम लोग तो विगत दो सालों से आपसे कह रहे थे, आप जो है बार बार हर चीजों को रोके जाते हैं, लेकिन आज स्थिति ये हो गई है कि आप उनको या तो प्रमोशन दे दीजिए, ऊपर उपाध्यक्ष बना दीजिए, या उस पद से विरत कर दीजिए। ये हुआ कि पहले विरत कर दीजिए, तो सबों ने एक स्वर में प्रमोद जी को विरत कर दिया, और हमारे कविंदर जी को महामंत्री वाराणसी व्यापार मंडल का नियुक्त किया गया है, और मनीष जी को संयुक्त महामंत्री नियुक्त किया गया। मनीष जी माला बना के इधर आइए, यहाँ देख खड़े हो गए। फैसला 9 लोगों की जो कोर कमेटी बनी थी उन्होंने किया था, और आज का ये फैसला 25-30 लोगों ने मिलकर किया है, जिसमें राकेश जी थे, विजय जी थे, रमेश निरंकारी थे, अपने सच्चे लाल जी थे, राम कुमार जी थे, जय प्रकाश जी थे, नरेंद्र सोनी थे, और आपके महिला अध्यक्ष थी और पूर्वांचल की अध्यक्ष थी, और ये न्याय मंच के विश्वनाथ दुबे जी थे, और आपके प्रभाकर जी थे, और साथ में जोशी जी बांस पाठक वाले थे, ऐसे मिला के 25-30 लोग थे जिन्होंने ये निर्णय लिया। मैं पूर्वांचल महिला व्यापार मंडल की अध्यक्ष चांदनी श्रीवास्तव, सर आज ये जो बैठक हुई है ये जो हमारे बग्घा सर के ऊपर सविता जी का आरोप है वो सरासर गलत है। उनका कोई भी बात ऐसा नहीं है जो हम लोग कोई भी महिलाएं उनकी समर्थन करें। सविता जी आज 8 साल से सर से जुड़ी थी, तो उनकी सब कुछ अच्छाइयां लग रही थी, तो जो एक्शन उन्होंने आज लिया है, अगर कमियां थी तो पहले कहाँ थी, वो क्यों संगठन का सहयोग करती थी, फिर नहीं करना चाहिए ना। जो बातें आज उठा रही हैं सारी कुछ सब कुछ गलत है, और इस्तीफा उन्होंने दिया है, सर ने उन्हें नहीं निकाला है। वो जो अफवाह खुद भी फैला रही हैं, तो सर ने उन्हें नहीं निकाला है, वो खुद इस्तीफा दी तो मुझे इस पद पे नियुक्त किया गया। वो बता रही हैं तो वो हमारे सर की ही शाखा है, तो किसी के मतलब शाखा पे आप जबरन तो अपना नाम नहीं चला सकते। सर की शाखा वो थी, सर ने उन्हें हटा के फिर मुझे वो अब इस्तीफा दी तो मुझे बना दिया गया। नहीं हम जी हम लोग को तो ऐसा नहीं लगता, हम लोग को तो सर हमेशा आगे करते हैं, महिलाओं को कभी यहाँ नहीं दबाया जाता है, हमेशा आगे किया जाता है कि आप सीओ के यहाँ जाइए, आप एसएसपी के यहाँ जाइए, आप डीआईजी के यहाँ जाइए। मुझे तो नहीं लगता कि हमारे सर उनको किसी भी प्रकार से कभी रोके हों। मैं वाराणसी महिला व्यापार मंडल की अध्यक्ष सुनीता सोनी। प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए बैठाया गया है क्योंकि सविता जी जो गलत गलत बात फैला रही हैं हमारे अध्यक्ष अजीत सिंह बग्घा जी के बारे में, वो उनका हर बात गलत है, उन्हीं का जवाब देने के लिए आज हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया। उनका कौन सी बात सही है, उनकी वो कौन सी ऐसी बात सही कर रही हैं जिसको हम लोग उनके साथ खड़े होके बोलें, या फिर आज तक उन्होंने कौन सा ऐसा काम किया है जिसके लिए हम लोग उनको समर्थन करें। दिया जरूर है लेकिन सबसे पैसा ले लेके, हमारी कोसा अध्यक्ष निर्मला जी उनसे पैसा लिया है, 7-8 लाख रुपए उनका बाकी है, जो कि वो माला का दुकान चलाती हैं, वो अपना गाड़ी रख के उस पर लोन करके उनको पैसा दिलाई थी। आज तक मैं उनसे उनके घर पे भी गई थी, बोली थी कि आप उनका पैसा दे दीजिए, तो उन्होंने यही कहा कि नहीं देंगे, जाइए जो करना है कर लीजिए।
भी उन्होंने प्रेस वार्ता करके बक्का जी को जो है बोले हैं कि उनका वीडियो वायरल हो रहा है और महिलाओं को बोलने की तमीज नहीं है बक्का जी बारे में। आज तक तो हमारे अजीत सिंह बग्गा जी की ही तो उंगली पकड़ के वो चल रही थी, आज वो गलत हो गए, बेकार हो गए। जो कि उन्होंने तो निकाला नहीं है सविता जी को, उन्होंने खुद रिजाइन दिया है उनको। जब उन्होंने रिजाइन दिया है तो हमारी चांदी श्रीवास्तव जी को पूर्वांचल के अध्यक्ष उन्होंने बनाया है। क्या वजह? अब ये वो जाने उनकी क्या वजह है, क्योंकि यहाँ से तो हम लोग रह रहे हैं, हम लोग को कोई आपत्ति नहीं है, कोई इनसे शिकायत नहीं है अजीत सिंह बग्गा जी से। उनको पता नहीं ऐसी कौन सी शिकायत है, आज इनके साथ रहती थी तो सब कुछ अच्छा था, इनका खुद का पैसा वो लेके बैठी है। खुले में क्या घूमना, उनको साड़ी पहनने की तमीज सिखाए हैं, कपड़े पहनने की तमीज सिखाए हैं। वो आज जब वो पूर्वांचल में जब आई थी वो तो उनको कपड़े पहनने की तमीज नहीं थी, आज उन्होंने हर तमीज उनको सिखाया है, तो यही आज गलत बोलने के लिए।